गाजीपुर सैदपुर ब्लॉक के सिघौना से बिहारीगंज तक 4 किमी सड़क मार्ग की बदहाली पर बुधवार को स्थानीय लोगों ने सिघौना बाजार में रोड पर रामायण पढ़ा। सिघौना बाजार में 20 सड़क टेंट लगाकर कीर्तन मंडी के साथ लोगों ने 4 घंटे तक भजन कीर्तन और सुंदरकांड का पाठ किया। गोमती ब्रिज डायवर्जे सड़क वाराणसी गोरखपुर हाईवे से जीवली देवगांव हाईवे पर बिहारीगंज चौराहे पर मिलती है। आधे घंटे पर रामायण और आधे घंटे सड़क पर वाहनों व राहगीरों का आवागमन चल रहा था। जिप सदस्य कमलेश यादव उर्फ राय साहब ने बताया कि पिछले 6 सालों से यह सड़क किसी भी मौसम में चलने लायक नहीं रहता है। सड़क पर बने बेसुमार गड्ढे बरसात में पानी और गर्मी में धूल से भर जाते हैं। इस सड़क पर प्रतिदिन हजारों स्कूली बच्चे सहित राहगीर आते जाते हैं। इस सड़क पर अब तक दर्जनों महिलाएँ व बच्चे साइकिल व बाइक साइकिल से गिरकर घायल हो चुके हैं। इस सड़क की दशा खराब होने से 40 गांवों के लोग प्रभावित होते हैं। इस सड़क की मरम्मत के लिए जिले के जिम्मेदार लोगों के लिए प्रदेश सरकार तक मांग उठाई जा चुकी है। राजेंद्र यादव, चंद्रपति यादव, देवव्रत चौबे, बिंदेश्वरी सिंह, पवन यादव, अंबिका पांडे, चंद्रिका शशि यादव, परशुराम यादव, अमरदेव यादव आदि लोग उपस्थित रहे। जनपुर से गुड़िया बिंद की रिपोर्ट। रोड पर रामायण, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई? ऐसी जरूरत पड़ गई, अभी तो मंदिर में रामायण या घर पर रामायण होता था, लेकिन जिला पंचायत सदस्य हमारे कमलेश यादव जी, उन्होंने फ़ोन किया हमको सवेरे कि रविंदर जी सिधौना आइए, रोड पर रामायण होगा। हमने कहा रोड पर क्यों होगा? इन्होंने बताया इस रोड की इतनी खराब दशा है कि शासन को, जिला को, जिला प्रशासन को कई बार ज्ञापन देते देते ये लोग थक चुके हैं। जितने भी गांव के लोग हैं, कम से कम 50 गांव इस सड़क से जुड़ा हुआ है जिसका नाम बिहारीगंज से सिधौना है। ऐसी स्थिति में बाध्य होकर हम लोगों ने सोचा कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनने से देश का विकास हो रहा है, हम लोग भी रोड पर रामायण कहें, खा यानी रोड का विकास हो जाए, इसीलिए रोड पर रामायण हो रहा है। रविंदर जी, किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है कि ये रोड खराब है? कठिनाइयाँ तो इतनी हैं, इस बाज़ार में जितने व्यापारी हैं, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, चाहे जो दुकान है, गिट्टी बालू की दुकान है, चाट की दुकान है, मिठाई की दुकान है, सब लोग इस रोड के खराब की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। ये रोड आजमगढ़ को जोड़ती है, जौनपुर को जोड़ती है, और जो लोग शॉर्टकट जाना चाहते हैं आजमगढ़, सीधे सिधौना से बिहारीगंज होके आजमगढ़ चले जाते हैं। लेकिन इस रोड की दशा इतनी ख़राब है, इसी सिधौना जहां पर रामायण हो रहा है, इसी गांव के माननीय मंत्री जी हैं, उनको भी ज्ञापन दिया जा चुका है, उन्होंने आश्वासन भी दिया था, और हम तो ये सुने थे कि मंत्री जी ने कहा था टेंडर हो गया है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। बाध्य होकर यहाँ के अगल बगल की जनता को, नौजवानों को, सबको, दुकानदारों को बाध्य होकर के रोड पर रामायण शुरू करना पड़ा। धन्यवाद जी। लोग रामायण अपने घर में, मंदिरों में करते हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो रोड पर रामायण किया जा रहा है? देखिए भैया, ये सबसे बड़ी चीज़ कि ये जो रोड आपको दिख रहा है, ये सिधौना से बिहारीगंज, शायद इसका नाम बच्चे बच्चे के जुबान पर रट गया होगा। जितनी बार इस रोड को लेकर हम लोग ज्ञापन दिए, सरकार के नुमाइंदों से कहे, जिला पे भी कई बार लोगों से कहा गया, लेकिन आज तक इसका निराकरण नहीं निकला। तो जब हम लोगों को लगा कि अब सरकारी कर्मचारियों से कहते कहते, अधिकारियों से कहते कहते अब थक गए, तो अब ये प्रभु श्री राम का ही सहारा है, इनकी ही आराधना हम लोग कर लें, हो सकता है कि रोड का दिन बहुर जाए और रोड बन जाए। हमने जी, कब से ये रोड ख़राब है? पिछले 7-8 सालों से ये रोड ख़राब है, आज तक इस रोड पे एक भी वर्क नहीं हुआ है। तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? स्वाभाविक सी चीज़ है, शासन प्रशासन जो रहेगा उसी को हम लोग जिम्मेदार मानेंगे। कहते हैं कि वर्तमान में अभी जो है गृह क्षेत्र है एक मंत्री जी का जी, तो क्या ये बात उन तक नहीं पहुंची है? नहीं, बिल्कुल पहुंची है, और इसके पहले भी 7 साल से तो हम लोग आश्वासन मतलब इतनी तारीखें पड़ गई कि अब मजबूरी में ये कदम हम लोगों को उठाना पड़ा। मंत्रियों से भरोसा उठ गया, विधायकों से उठ गया,
सरकार से उठ गया, अब जाके प्रभु श्री राम पे ही भरोसा है, हो सकता है कि इनकी आराधना करने से ये रोड बन जाए। आपको क्या लगता है कि इस रोड पे रामायण करने से इस रोड की दशा बदलेगी? बिल्कुल, एक भरोसा है, एक विश्वास है, हो सकता है कि सरकार को तक ये बातें पहुँचें और वो कुछ न कुछ कदम उठाए जिससे लोगों का जीवन यापन। सबसे बड़ी चीज़ कि इस बाज़ार में कम से कम 400-500 दुकानें हैं, मानकर चलिए कि हर एक परिवार से 5-10 लोग जीवन यापन करते हैं। बाज़ार की यह दशा है कि कोई ग्राहक आने के लिए तैयार नहीं है, छोड़िए ग्राहकों को, अगल बगल से लोग आने जाने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, दूसरा रोड पकड़ कर चले जाते हैं। लोग परेशान हैं, रोजी रोटी का संकट है लोगों के सामने, तो मजबूरी में यह सब काम करना पड़ रहा है। कहावत है ना कि जिसके साथ प्रभु नाथ हुआ नाथ कैसे हुई, कहावत वो कही गई, लेकिन अब हम लोग इन्हीं आस्था विश्वास के साथ इनके साथ। हालात ये है कि हम लोग यहाँ कोई कपड़ा खरीदने की स्थिति नहीं है, बेरोजगारी की समस्या इतना ज़्यादा है कि हर लोग, एक तो नौकरी नहीं मिल रही है और जो बेरोजगार व्यक्ति है घर से 2-2.5 लाख किसी तरह से इस आशा के साथ लेके चल रहा है कि चल करके एक नई दुकान खोलेंगे। और यहाँ 50,000 दे करके एडवांस जा रहा है, 1,000 रुपया महीना, काउंटर बनवाने में सारा रुपया ख़त्म हो जा रहा है उसका, और दुकान करने के बाद वही दलालों के पीछे बैठ गए। कैसे होगा हम लोग खुद नहीं समझ में। हालत ये है कि 10 गुना स्थिति खराब हो चुकी है, कैसे कोई करेगा यहाँ? सारे लोग बेरोजगारी पलायन कर रहे हैं यहाँ से, कोई महीना बाकी नहीं जहाँ से 4-6 दुकानें खाली हो रही हैं, अब मकान मालिक का भाड़ा नहीं दे पा रहे हैं हम लोग। चलपति जी, आपके गृह क्षेत्र के यहाँ के मंत्री हैं जी, तो क्या आप लोगों ने बाजार वासियों ने उन तक बात नहीं रखी? ये निश्चित तौर पर एक संदेश माननीय मंत्री जी के पास भी जा चुका है, उन्होंने कई बार वक्तव्य दिया था कि नहीं इसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं। अब वो कितना प्रयास किए, लेकिन निश्चित तौर से उन्होंने प्रयास किया है शासन के पास। अब इसमें ईश्वर जाने कितना माने जल्दी हो जाएगा नहीं होगा, वो तो अलग की चीज़ है। ये हालात ये है कि यहाँ से आने वाला कोई नहीं है, ये हालत है पूरा। कपड़ा खरीदने वाले हैं बस, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाने ईशोपुर गाँव है, जो गिर जा रहा है ग्राहक बताएगी जाके ले लेके, हम लोग जाएंगे नहीं वहाँ पर चाहे जो हो जाए, ये हालत है। विद्यालय के बच्चे जो गाड़ियाँ उलट जा रही हैं, यही हाल है मेहता मार्ग का है जो इससे कनेक्टेड है नूरुद्दीनपुर तक, गैस सिलेंडर भरवाने जा रहा गाड़ियाँ पलट जा रही हैं, मैंने अजीब स्थिति बन गई, ये कौन सा अपराध है? इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।